वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले जो है आइए जी, चनों की फरमाइश, नान और चने लेके आते हैं सुबह सुबह के टाइम में, और धूप जो है काफ़ी तेज़ है। सबसे पहले जाते हैं रोल लेके आते हैं। हाँ जी, नान लाए ने, दिन के 2-3 बजे का। सुबह जो है नाश्ता करके थोड़ा टाइम फिर सो गया था, अभी 2 घंटे पहले उठाऊँ। फिर जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ काम वगैरह था वो फिर किए, देखें अभी रजिस्टर वगैरह भरे हुए हैं, नोट्स वगैरह बनाए, तो अभी थोड़े टाइम तक निकलेंगे बाहर, और बाहर की भी सिचुएशन आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी थक गए हैं जी लिख लिख के, सर तकरीबन 2-2.5 घंटे से काम वगैरह कर रहा हूँ। तो बाहर जाते हैं, ये चीज़ें वगैरह समेटते हैं, फिर बाहर की डिटेल्स भी आपको देते हैं। अभी निकले हैं घर से बाहर, तो सूरज तो ढलने का ही टाइम हो गया, 4:30-4:05 का टाइम। तो साथ आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं छोटे, ये जो झगड़ रहे थे इनका भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए खड़े हुए वो सामने उमेर भाई जा रहे हैं, पहले व्लॉग में आपने देखा होगा इनको। आ गया था ब्राज भाई के दफ्तर में, बैठा हूँ गपशप लगाई है, शाम की होगी यार व्लॉग उस तरह नहीं बैठा। सामने कश्मानी खान भी बैठे, कश्मानी खान भी बैठे। कश्मानी खान आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, दुआओं में याद रखना। दुआओं में जी। तो ब्राज भाई आप सुनाए जी। शुक्र अल्लाह, ये मैसेज आए हुए जी। अभी इनसे पूछते हैं गाड़ियाँ भी तैयार हुई हैं कि नहीं, उधर से तो पहुँच आए थी यहाँ पे कहाँ पे भेजी है। ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का भाई। सुनाए फिर जीपें कैसे? जीपें मालिक साहब लगी हुई हैं जी वर्कशॉप में जी। वर्कशॉप में लगाई हुई है, बस उनकी बाल्टियां वगैरह खुल गई हैं, फ्रेमों वगैरह पे काम हो रहा है। तो वो एक फ्रेम आपने लानी थी पिंडी से? नहीं आना, वो ऑर्डर दे दिए, वो असल में 10-15 दिन लगते हैं ना बनने पे। 10-15 दिन? तो वो बनने पे फिलहाल ये दफ्तर के साथ लगा हूँ, ये आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं मेरे दफ्तर का हाल। तो ये प्लास्टर वगैरह करवाया, अभी इसकी पैलिंग वगैरह करवाऊंगा। तो बंदा नहीं मिला कोई? नहीं जी, बंदा वो असल में जीपों के साथ लग गया था। अच्छा। अभी फ्री हूँ उधर से इंशाल्लाह। ये दफ्तर हमने बनाना है VVIP इंशाल्लाह, तो ताकि बंदा उधर से देखे अंदर आए ना बोले ये किसी और दुनिया में हम आए, गेट बाहर नहीं है ऑफिस। नहीं इंशाल्लाह शेरी भाई के पेज से आपको रिव्यू देंगे इसका भी, दफ्तर का भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये ईद से पहले पहले कोई गाड़ी तैयार हो जाएगी चारों में से? नहीं शेरी भाई, एक तो तैयार हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अच्छा। वो जो आपने अपनी वीडियो में दिखाई भी होगी ब्राउन कलर वाली। अच्छा। उसका सिर्फ डीजल पंप और नोजल का काम था। अच्छा। वो करवा लिए, चल रही है, बस अभी टेंडर के पास खड़ी की है, उस पे पेमेंट वगैरह करवा लूँ आज सुबह ही टेंडर को देखो। ईद से पहले पहले हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रमजान आखिरी रमजान में फिर उसको जाएंगे इंशाल्लाह, उस पे 2-3 कहीं करेंगे, ईद भी हमारी इंशाल्लाह उसी में ही होगी इंशाल्लाह जी। हमारे दूसरे भाई हैं असनाद खान, वो भी आएंगे ईद पे, क्योंकि नहीं वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो असल में जिस भाई ने इटली से आना था ना। अच्छा। वो भी आ रहे 14 मई का टिकट हुआ, रात को ही कंफर्म हुआ है। तो असनाद भी फिर लेट आएगा? असनाद इंशाल्लाह आएगा 27-28 मई को। 14 को वो आएगा, तो उसके 10-15 दिन बाद दूसरे की शादी है। अच्छा। तो फिर इंशाल्लाह असनाद आएगा 27-28 को आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी फिर आगे बड़ा शोर लगेगा है महीने 2 बाद इंशाल्लाह, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। तो अभी जो है गर्मी है, अचानक से अगर बादल आ गए ना तो सर्दी शुरू हो जाएगी, ऐसा वेदर है अब्टबाद का।
यकीन माने दिन को मैं एक काम से गया हुआ था, सुबह जब नाश्ता आपको पता है लेने गया था, उसके बाद घंटे के लिए मैं गया हूँ, लेकिन गर्मी से बुरा हाल हो गया था। उसके बाद फिर जो है घर आके सारा जो है मैं कॉलेज के काम करता रहूँ, लिख 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 के कमर में भी दर्द शुरू हो गया। फारूक हूँ मैं, बाहर आया हूँ अभिलाष भाई के पास, गप शप लगाने बैठ गए हैं, इधर जीपों वगैरह की सुविधा पूछी है। चले जी, इसके बाद इंशाल्लाह तैयार होंगी जी जल्दी। शेरी भाई मनसेरा वाली भी खुल गई है, उनकी बाड़ी वगैरह उतर गई है सारी, फ्रेम वगैरह पॉलिश हो रही है उनकी। माशाल्लाह अभिलाष भाई ने 14 प्रो मैक्स भी नया ले लिया। तो इसके बाद जो है इन पे ट्रीट भी पड़ गई है। नहीं जी जरूर, क्यों नहीं। इंशाल्लाह ट्रीट वगैरह भी किसी दिन लेंगे इनसे जरूर। बाकी पढ़ाकू हो गया इन दिनों, ब्लॉग उस तरह नहीं बन सक रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, छुट्टियां थी पिछले दिनों, पिछले सेमेस्टर एंड था, उसके बाद आपको पता है 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो 2 महीने जो है उसमें ब्लॉगिंग जो है मैंने आधी छुट्टियों में स्टार्ट की है। महीने जो है आपको ब्लॉग वगैरह बना के दिखाए हैं, अभी भी आते रहेंगे, क्या पता बीच में एक आध दिन का गैप हो, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होगा। और इसके बाद भी जो कुछ अपडेट्स हुई वो आपके साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है अभिलाष भाई के पास गपशप लगाने के बाद मैं आ गया था जिम। मेरे पीछे जो पोस्टर थे लगे हुए हैं, देखे जी काफी मजे के पोस्टर हैं, ऐसी बॉडी बन जाए ना मजा ही आ जाए। आज साथ कुछ दोस्त वगैरह भी आए हुए हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। आरस भाई भी खड़े हुए हैं, आरस भाई सुनाए ना, फिट हैं आप? तो एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए। माशाल्लाह जी आरस भाई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तकरीबन 100 kg वेट है। स्टार्ट कर रहे हैं आरस भाई। हाँ अपना कैमरामैन ऊपर ही खलते थे। हारस भाई ये के जी वीडियो तो करके एक शॉट बस इतना ही है, तो सब कुछ साथ ही ठीक है, जितना लागता है उतना ही कर दे पे। ये देखो पहले लगे कितने लगे कूड़ा थे बने देते जी। आज हमने जो है शोल्डर की एक्सरसाइज लगाई है, बस अभी थोड़ी सी एक दो गेमे रह गई हैं, वो गेमे लगा के उसके बाद जाएंगे घर, साथ ये छोटे भाई भी हैं कुछ, तो बस गेम वगैरह लगाते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो मैंने नहीं दिखाना था, रोज दिखा दिखा के आप लोग बोले के रोज जिम पहुंच जाता है वही दिखाता रहता है, तो ये भाई आए हुए थे, कह रहे थे यार अभी भी व्लॉग में लेके आओ, हम व्लॉग में आना चाहते हैं। ऊपर भी मैंने व्लॉग इसी इन्हीं की वजह से ही बनाया था। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी ऐसा लग रहा है ये मेरा व्लॉग वगैरह देखते रहते इन्हीं की वजह से मैंने आज जो है जिम में व्लॉग शूट किया, वैसे आज जाना नहीं था मेरे जिम में, तो ठीक हो गया जी। एक दिन के साथ एक और भाई भी हैं, वो अभी उस तरफ चले गए हैं, चले बस ठीक हो गया भाई, आते रहेंगे जिम, फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, और सुबह सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे वेदर जो है क्लाउड्स आए हुए हैं, और अभी जो है तो मैं आपको पता होगा कि पिछले दिनों गया था अपने विलेज, तो वहाँ पे जो है मैंने
शॉट्स तो आपको दिखाए, उम्मीद करता हूँ ड्रोन शॉट्स आपको अच्छे लगे होंगे। ये हमारा खूबसूरत सा विलेज, तो अभी जो है तो यहीं पे ही मैं करता हूँ इस व्लॉग का एंड। भी उम्मीद करता हूँ मेरा ये वाला व्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ कर दें बेल आइकन को भी प्रेस, और सपोर्ट करें व्यूअर्स, आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़ जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।